सबसे पहले हमने यहाँ पर विजुअल कोड पर आ गए और यहाँ पे जाके फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके हमने कर दिया इसको क्लोज फोल्डर। तो जो पहले वाला फोल्डर था वो क्लोज हो गया और यहाँ से जाके हमने किया फाइल में जाके ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया। यहाँ से हम चले गए बूटस्ट्रैप वेब के फोल्डर पर और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया अपने एप्पल सनशाइन के फोल्डर के ऊपर और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपने फोल्डर को डिफाइन कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम कि किस तरह से दीगर कॉन्टेंट्स वगैरह को इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रिकॉर्डिंग्स में। ओके, तो सबसे पहले हमने अभी लास्ट टाइम वाली क्लास में देखा था, ग्रिड कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। ग्रिड कॉन्सेप्ट से पहले हमने बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड के जरिए कनेक्ट करना सीखा था। आज हम एक वेब पेज बनाएंगे, पहले उसको देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक वेब पेज बना रहे हैं, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे ही न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे सामने इस तरह से एक नया वेब पेज आ जाता है। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर रहे हैं तो ये हमारे इस फोल्डर में सेव हो रहा है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ बूट वेब डॉट एच टी एल, ऑलरेडी है इसके नाम से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वेब बूट डॉट एच टी एल के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो ये एक वेब पेज हमारा सेव हो गया। अब जैसे ही हमारा एक वेब पेज सेव हो गया तो हमें बेसिक एच टी एम एल का कोड जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेब पेज को एक्जीक्यूट करने के लिए, वो शिफ्ट के साथ वर्क का बटन दबाएंगे और एंटर का बटन दबाएंगे तो ये बेसिक एच टी एम एल का कोड हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही ये कोड हमारे पास आ जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाके लिखना है, डबल क्लिक करके क्या लिखना है, यह हम देख रहे हैं रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट। तो यहाँ पर हमने एक रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट को टाइटल के तौर पर लिख दिया। अब यहाँ पर टाइटल के नीचे आ जाएंगे और हेड सेक्शन में पहले हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन मेथड के जरिए कनेक्ट करना सीखते हैं। ऑफलाइन मेथड का मतलब पता ही होता है कि जैसे बूटस्ट्रैप को हमने अपने इसी वेब पेज के फोल्डर में कॉपी किया हुआ है और उसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से राइट बटन दबाया, प्रीव्यू ने एक्सप्लोर किया तो ये देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर इसी वेब पेज के साथ यहाँ पर पूरा बूटस्ट्रैप मैंने कॉपी किया हुआ है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा था, इसी को इसी तरह से अपने फोल्डर के अंदर कॉपी कर लीजिएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर आके पहले आपने लिंक का टैग लगाना है। तो जैसे आप लिंक का टैग लगाएंगे तो लिंक के टैग से ये टैग आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप बी दबाएंगे तो आपको बूटस्ट्रैप का फोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर डी आई एस टी डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर सी एस एस का फोल्डर नज़र आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे फोल्डर्स आपको सही तरीके से नज़र आ रहे होंगे। तो सी एस एस के फोल्डर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसका नाम है बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस। जैसे ही आप इस फाइल के अंदर जाएंगे बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफलाइन मेथड। ठीक है, उसके बाद आप जब ऑनलाइन मेथड, अच्छा फिर इसका जावास्क्रिप्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे ऑफलाइन मेथड में, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एस आर सी का टैग लगाना है और इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फिर से बी लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप का फोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर डिस्ट का फोल्डर नज़र आएगा, फिर जे एस के फोल्डर में जाना है और यहाँ से अब आपने फाइल को चूज़ करना है बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जे एस की फाइल को। ये आपका वेब पेज जिसका नाम वेब बूट डॉट एच टी एम एल है, ये ऑफलाइन मेथड के ज़रिए बूटस्ट्रैप से कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। अब हम ऑनलाइन मेथड के ज़रिए भी कनेक्ट कर लेते हैं इसी पेज को। ताकि ऑनलाइन मेथड के लिए आपने वेबसाइट पर जाना है getbootstrap.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे उसके होम पेज पर ही नीचे की तरफ आएंगे तो ये दो CDN कोड्स आपको मिलेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करना है और फिर आप इसको यहीं पर ही इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल वी की मदद से, फिर यहाँ से कॉपी कर लें और उसके नीचे इसको भी पेस्ट कर दें। ये लीजिए, ये ऑनलाइन मेथड से आपने इसको कनेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये मामला दे पाया। अब इस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे जाके प्रीव्यू एक्सप्लोरर, ऑलरेडी हमारे पास ये फोल्डर खुला हुआ है तो नहीं खुला हुआ तो हम राइट बटन दबा के खोल लेते हैं इस फोल्डर को। ये खुल गया और ये हमारा वेब पेज बूट वेब, राइट बटन दबा के इसको ओपन विद करेंगे और वेब ब्राउज़र पर क्लिक करके खोल लेंगे। ओके, अभी हमने दूसरे फोल्डर में काम कर लिया है, चले उसी फोल्डर के काम को चला लेते हैं। फोल्डर तो डिफाइन किया था हमने, कौन सा डिफाइन किया था, एप्पल वाला कर दिया, फायरवॉल नॉइस वाला फोल्डर नहीं किया था। ठीक है, तो ये बंद हो गया वेब बूट ये वाला फोल्डर। चलें यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये वेब पेज हमारा कनेक्टेड है बूटस्ट्रैप के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड दोनों के, मतलब आप इस पर जो भी कोड करेंगे अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो वो ऑनलाइन ले लेगा
और अगर इंटरनेट कनेक्टिंग है तो जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर आपके इसमें कॉपी उससे मिलेगा। अब आते हैं, सबसे पहले हम इस पर एक बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं, बड़ा सा स्क्रीन पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं और वो रिस्पॉन्सिव भी हो, तो उसको किस तरह से कोड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आके बॉडी सेक्शन के अंदर कोड करना शुरू करेंगे और यहाँ पर डिव के कोड को एक एलिमेंट बनाएंगे। अच्छा, अगर आप डिव पर कन्फ्यूज़ होते हैं तो डिव वो वाहिद एलिमेंट है जो एचटीएमएल के शुरू से इसके साथ है, बाद में ये बने जिसका नाम था हेडर और फिर नेविगेशन और इस तरह के, बात तो एक ही है। लेकिन अगर आपका थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं वो भी दूर कर देता हूँ। यहाँ से मैं हेडर के टैग को यूज़ कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्लास यूज़ करने वाला हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास यूज़ कर लेता हूँ कि इसके अंदर पूरे कंटेनर के अंदर ये दिखाई देगा। कंटेनर की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे सही कर लेता हूँ। इसके बाद इसी के अंदर मैं पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ 5 की, ठीक है। इसी के साथ इसमें मैं जो आगे एक पिक्चर लगानी है तो वो पिक्चर के लिए मैं यहाँ पे जाके स्टाइल के टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टाइल के टैग पे जाके मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड, अच्छा ये स्टाइल का टैग क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं CSS का कोड इनलाइन मेथड पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज को मैंने यूज़ किया और उसके अंदर URL सेक्शन को डिफाइन किया प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे URL की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और उसके अंदर उसके डबल सिंगल कोट्स के अंदर मेरे पास इमेजेस होने चाहिए। तो मैंने इस फोल्डर में पहले से कुछ इमेजेस कॉपी कर रखे हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5 के नाम से। तो मैं यहाँ पे इमेज 1 को यूज़ करने लगा। तो इमेज 1 के लिए मुझे यहाँ पे जैसे ही IMG1 लिखूँगा तो सिंगल कोट लगाया, IMG1 लिखा तो ये इमेज ऑलरेडी इसमें आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर साथ साथ मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका नाम है बैकग्राउंड डैश साइज और इसमें वैल्यू पास कर दूँगा कवर, ताकि वो इमेज पूरा का पूरा इस कंटेनर के अंदर फिट हो जाए। साथ साथ मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा हाइट की, जिसमें मैं इस कंटेनर की हाइट 400 पिक्सल डिफाइन करूँगा, जिसके बाद ये पूरे वेब पेज की हाइट को कवर करेगा और ये पिक्चर इसके अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से ये फाइल पिक्चर आपको दिखाई देगी और ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम इसको थोड़ा छोटी स्क्रीन पे करके देखें तो पिक्चर ऑटो एडजस्ट हो रही है, खुद ही बड़ी हो रही है, खुद ही छोटी हो रही है और ये चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस की चीज़ों को शो करता है। अब इसके बीच में मैं एक टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो इसके कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट लगाने का अमल है वो कुछ इस तरह होगा कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ की क्लास को यूज़ किया, क्या टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमारे पास अगर टेक्स्ट लिखने में दिक्कत हो रही है तो हम चैट GPT से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं कि वो हमें कुछ वेबसाइट्स के टेक्स्ट बना के दे दे। तो यहाँ पे हमने चैट GPT को ऑनलाइन ले लिया है और हम लिख रहे हैं क्रिएट अ स्टनिंग लाइन फॉर माय वेबसाइट हेडर, ठीक है। क्रिएट अ स्टनिंग लाइन फॉर माय किस तरह की वेबसाइट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वेबसाइट हेडर, इंटर किया हमने यहाँ पे, तो इसने हमें एक स्टनिंग लाइन इसने हमें बना के दे दी और यहाँ से मैंने इसको ज़रा लॉगिन भी कर दिया, दोबारा से ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो ये इसने मेरे को एक अच्छी सी लाइन बना के दे दी है और इस लाइन को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने इसको ले जाके अपने इसके टेक्स्ट सेक्शन में पेस्ट कर दिया, तो मेरे वेब पेज पे ये कुछ लाइन इस तरह से नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इसकी फर्दर मुझे सेटिंग करनी है, तो मैं पी के साथ क्लास यूज़ कर लेता हूँ और इसमें बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट की क्लास को यूज़ कर लेता हूँ डिस्प्ले 1 को। जैसे ही डिस्प्ले 1 क्लास लिखूँगा तो ये लाइन कुछ इस तरह से बड़ी होकर नज़र आ रही है। अगर आपको उससे छोटा करना है तो 2 कर दीजिए तो उससे थोड़ी छोटी नज़र आएगी, और अगर और छोटा करना है तो इसको 3 कर दीजिए तो ये लाइन उससे भी छोटे टेक्स्ट में नज़र आ रही होगी। इसके बाद ये जो लाइन ज़्यादा मुझे वही भी बड़ी लग रही है क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है, तो इसको डिस्प्ले 5 पर रख के देखते हैं। तो
तो ये इस तरह से आ रही है। चलो ठीक है यार, इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं H1 के ऊपर। तो जैसे ही H1 हम यहाँ देखेंगे, क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो ये लाइन इस तरह से नजर आ रही है। उसके बाद इसको टेक्स्ट को अगर हमें सेंटर में पास करना है तो किस तरीके से सेंटर में पास करेंगे, तो सेंटर में टेक्स्ट पास करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास को यहाँ पे पास कर देना है, तो टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट को अगर वाइट करना है तो टेक्स्ट डैश वाइट की क्लास हमें सेव करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट वाइट हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पर टेक्स्ट डैश शेडो की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। CSS के अंदर 5 pixel x पे, 5 pixel y पे, 5 pixel ब्लर और ब्लैक करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, तो रिफ्रेश करने पे इसका शेड आ जाएगा। अब अगर ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, वैसे तो मुझे सही लग रहा है कि ये हमारी स्क्रीन पे इतना बड़ा टेक्स्ट नज़र आएगा, अगर शेड थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप 5 की बजाय इसको 15 pixel का ब्लर लगाइए, तो देखें कोई इतना खास ब्लर नहीं पड़ा, इसको कम कर लेते हैं। तो 3 pixel का ब्लर करके इसको देखते हैं कि कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थोड़ा सा 3 pixel में डार्क हो गया, और इसको अगर 4 pixel कर देते हैं तो थोड़ा सा हल्का डार्क हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसके बाद ये इसका फ्रंट वेबसाइट का जो हेडर डिसाइड कर लिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा, तो अब हम इसके बाद चलते हैं। ये हमारा कंटेनर पूरा इसके साथ एडजस्ट हो चुका है और ये हमारा टेक्स्ट इसके साथ रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब कि अगर जब ये छोटी स्क्रीन में खुलेगा तो ये ऑटो टेक्स्ट अपने आप को एडजस्ट करके इस छोटी स्क्रीन के हिसाब से आ जाएगा, और बड़ी स्क्रीन पर खुलेगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं नीचे, इसके एक बैनर लगाना चाह रहे हैं, ये हेडर हो गया हमारा, एक बैनर लगाना चाह रहे हैं, तो बैनर हम लगा लेते हैं सपोज टू बी एक्साइट के कंटेनर को यूज़ कर लेते हैं, चाहे तो डिव यूज़ करें चाहे तो एक्साइट यूज़ करें। उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं, तो पहले बूटस्ट्रैप 3 में एक क्लास आती थी जिसका नाम था जंबोट्रॉन, अब वो क्लास नहीं आती 5 के अंदर, तो हम खुद बना लेते हैं उसको। इसमें मैं इसका बीजी डैश प्राइमरी डिफाइन कर देता हूँ, और इसके बाद इसमें पैडिंग जो है मैं 4 की डिफाइन कर देता हूँ, और मार्जिन टॉप जो है इसका 4 डिफाइन कर देता हूँ, और इसके ऊपर टेक्स्ट को जो है सेंटर कर देता हूँ, और इसके अलावा जो डिस्प्ले है इसके अंदर उसको 1 कर देता हूँ। तो ये मेरी टेक्स्ट की क्लासेस के साथ ये पूरा कंटेनर इसमें बन जाएगा। और इसके लिए हम यहाँ पे JDBT से हेल्प ले लेते हैं कि इसके लिए हमें तो इसने यहाँ पे एक बफर लाइन इससे ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ज्वाइन नाउ गेट 20% ऑफ टुडे। तो ये हमने एक यूज स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है, और इसके बाद इसके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जो कि काफ़ी बेहतर है। इसके बाद हम इसमें टेक्स्ट की क्लास को यूज़ करके टेक्स्ट को हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और ये हमारा बैनर के ऊपर टेक्स्ट ऐसे नज़र आएगा। तो यूज़र को पहले ये चीज़ नज़र आएगी, उसके बाद यहाँ पे जाके MT4 MT5 हम इस पर अप्लाई कर देते हैं मार्जिन टॉप, जिससे ये पूरा बैनर हमें ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये हमें पूरी लाइन ऑफर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो यूज़र होगा उसको पहले हमारा वेब पेज ऐसे नज़र आएगा, फिर ऐसे, और ये भी जो हमने कंटेनरेट किया जंबोट्रॉन के तौर पर, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिव है और ये ऑटो एडजस्ट करेगा स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। अब चलते हैं नीचे कि हम जो कोर्स ऑफर्स हैं वो हम बताना चाह रहे हैं कि हम कोर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो कोर्स ऑफर्ड हमें लिखना है इसी तरह से कोर्स ऑफर, तो यहाँ पे हम कोर्स ऑफर के लिए भी एक कंटेनर बनाएंगे। इसी कंटेनर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और जंबोट्रॉन बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स या कोर्स ऑफर्ड 2024, और उसमें हम पैडिंग ज़रा कम कर लेते हैं, पैडिंग को 2 पे रख लेते हैं, मार्जिन टॉप को भी कम करके 1 पे कर लेते हैं या 2 पे कर लेते हैं। टेक्स्ट सेंटर सही है, लेकिन डिस्प्ले 1 की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं H1 का, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट है तो BG प्राइमरी की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सपोज भी इन्फो का यूज़ कर लेते हैं, और टेक्स्ट वाइट की जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी का, देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो रिफ्रेश करते हैं तो यूज़र स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो कोर्स ऑफर्ड ऐसे लगाएगा, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट को म्यूटेड लगा देता हूँ तो कुछ ज़्यादा बेहतर लग सकता है। तो जैसे कोर्स म्यूटेड लिख देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कलर इस पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर रहा है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ये मच बेटर लग रहा है कि कोर्स ऑफर्ड 2024 इस तरह से दिखाई देगा।
पैडिंग अगर आपको कम लग रही है तो थोड़ी सी बढ़ा दें, 3 की या 4 की पैडिंग कर दें, जिसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह नज़र आएगा। और H1 के टेक्स्ट पे ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिव ही है, जब आप उसको छोटी स्क्रीन पर देखेंगे तो ऑटो एडजस्ट करके अपने आप को इस तरह से कंटेनर एडजस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद कोर्स ऑफर्ड के बाद हम नीचे चलते हैं कि अब कोर्सेज की हमें वो कैटलॉग्स बनानी है, जिसके अंदर तीन, एक लाइन में तीन, अगली लाइन में तीन कुछ कोर्सेज के पिक्चर्स और उनके डिस्क्रिप्शंस, नाम जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो भी हमें शो करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए हम नीचे चलेंगे और हम ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए एस साइट के बाद आके एक डिव का एलिमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद डिव के एलिमेंट को यूज़ करके यहाँ पर जाके क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसमें रो की क्लास को यूज़ करेंगे। जैसे ही रो की क्लास को यूज़ करेंगे तो अब इसके अंदर 12 कॉलम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही 12 कॉलम इसमें एडजस्ट हो जाएंगे तो हमें कितने कॉलम्स कैसे रीयूज़ करने हैं, अगर हमें इक्वल डिवाइड करना है तो हमें डिव के फिर एक और कंटेनर बनाना है, उसके अंदर जाके क्लास को डिफाइन करना है और कॉल डैश एसएम की जगह में मीडियम क्लास, यानी कि जो कि रेस्पॉन्सिव होगी 768 पिक्सल के स्क्रीन के साइज़ के ऊपर, और उसमें हम 4 कॉलम्स को यूज़ कर लेते हैं। साथ साथ हम इस कंटेनर के अंदर पैडिंग को भी यूज़ कर लेते हैं, पैडिंग हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, P-3 की पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, और साथ साथ जो इसके कंटेंट हैं जो इसमें दिखाई देंगे उस तरह से ठीक है। अब इसके कंटेंट के अंदर जो हमें मज़ीद दिखाना है स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं और इसमें हाइट को यूज़ कर लेते हैं 300 पिक्सल के ऊपर। तो यहाँ पर ये इसकी कंटेनर की हाइट 300 पिक्सल हो जाएगी। अब इस कंटेनर के अंदर चूँकि हमें इमेज दिखाना है तो एक और डिव बना लेते हैं और उसको क्लास यूज़ कर लेते हैं। क्लास में फ़िलहाल हम इसमें कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम वही बैकग्राउंड डैश इमेज की क्लास प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, उसके साथ URL का इजाफा करेंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड डैश साइज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कवर पास करेंगे और ये चीज़ें करेंगे। साथ साथ हम उसके अंदर जो इसकी हाइट है वो बैकग्राउंड डैश सॉरी हाइट को डिफाइन कर देंगे, जो इसकी हाइट आ रही है वो हम सेट कर देंगे 250 पिक्सल्स पे कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसकी हाइट को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये हाइट हम इसकी नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे, इसकी हटा देते हैं, हाइट हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, जो मेन कंटेनर है इसका। और यहाँ पे इसकी हाइट हमने 250 पिक्सल डिफाइन कर दी है। अब इसके अंदर जो मुझे इमेज यूज़ करना है वो मेरे फोल्डर में मैंने पहले से कॉपी कर रखे हैं 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 रिलेवेंट इमेजेस यूज़ कर लें। अगर आपको रिलेवेंट इमेजेस यूज़ नहीं करना आते तो मैं अभी बता देता हूँ कहाँ से लेंगे। इस मेन कंटेनर में ये इमेज का कंटेनर हो गया, इसके नीचे एक और कंटेनर बनाते हैं पैराग्राफ का कंटेनर, जिसमें कोर्स क्या लिखना चाह रहे हैं। सपोज टू बी अगर हम यहाँ लिख रहे हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, तो डिप्लोमा प्रोग्राम ये इस तरह से हमने टाइप कर दिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट दिखाई देगा उसकी क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, H3 की क्लास को यूज़ कर लेते हैं और साथ साथ टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं और टेक्स्ट को म्यूटेड कर देते हैं जो उसका कलर स्टाइल है। तो उसके बाद ये हमारे वेब पेज पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इमेज लगाना है, तो अब डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए कौन सी इमेजेस चाहिए। अब इमेजेस के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से वेब ब्राउज़र पर जाएं और फ्री इमेजेस के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक pixels.com है, और यहाँ पर हम चले जाएं और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिप्लोमा। तो जैसे ही डिप्लोमा लिखेंगे, डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी इमेजेस होंगे वो सर्च करके ले आएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डिप्लोमा के इमेजेस हैं, जैसे कि मुझे अगर ये इमेज आ रहा है समझ में, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ऑनलाइन मेथड के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं और एक तरीका है ऑफलाइन मेथड के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड में आपको यहाँ पे देखिए सेव कलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इधर जाता हूँ इस पर राइट बटन दबाऊँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा कॉपी इमेज एड्रेस। लेकिन ऑनलाइन मेथड में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन ही चलनी चाहिए, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए। कॉपी इमेज एड्रेस लेने के बाद इसमें आपको इस इमेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपकी वेबसाइट लाइव है। और उसके बाद ये जो इमेज का जो लिंक है वो आपने पेस्ट कर देना है इसके बीच में। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो अभी कंट्रोल वी के साथ मैंने पेस्ट किया, और रिफ़्रेश करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट इमेज लेकर आ जाएगी उस वेबसाइट से। मतलब इस प्रोसेस में ना इमेज मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, ना उस वेबसाइट पर जाके मैंने किसी अपने वेबसाइट के फोल्डर में सेव किया। हम ऐसा ही करते हैं, जब हमें वेबसाइट को लाइव करना होता है तो आप कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट में डाउनलोड ही नहीं करते, बल्कि उसको किसी न किसी वेबसाइट का लिंक लेकर लगा देते हैं। इससे हमारी होस्टिंग का स्पेस भी कम यूज़ होता है, और क्योंकि हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे ऑनलाइन होती है तो वो इमेजेस खुद ही वहाँ से लेकर डाउनलोड करके चला लेती है। ये है ऑनलाइन का मेथड का तरीकाकार जो मैंने आपको बताया।
लेकिन अगर सपोज़ टू बी ऐसा नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं मैं इमेज डाउनलोड करके यूज़ करना चाहता हूँ, सपोज़ टू बी दूसरा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, सपोज़ टू बी ऑफिस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो अभी इस कंटेनर में देखें इस तरह का मामला आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम आ गया, इसमें मैंने टेक्स्ट डैश म्यूटेड की क्लास तो यूज़ की है लेकिन टेक्स्ट डैश सेंटर पूरा नहीं आया था। अब ये मैंने टेक्स्ट डैश सेंटर भी पास कर लिया है और ये इसमें इस तरह से सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर पेडिंग नहीं पास किया, तो पेडिंग मैंने P3 यहाँ मेन कंटेनर में पास किया था, तो मेन कंटेनर में हल्की सी पेडिंग तो आ गई है यहाँ पर जो चारों साइड से इसकी कवर होगी। फर्दर अगर इसके अंदर भी पेडिंग पास करनी तो कर लें, अगर और मजीद पेडिंग की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये सही है बिल्कुल तो इसी कंटेनर को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से लेके इसी रो के अंदर दोबारा से कॉपी करेंगे और इसके नीचे दोबारा से पेस्ट कर देंगे। और इस तरह से मैं इसी ऑनलाइन को मेथड को यूज़ करते हुए स्टेप करता हूँ। और दूसरी जो ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्सेज को मैं जो लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। तो जैसे ही ऑफिस मैनेजमेंट का मैंने यहाँ पे लिखा तो इसने मुझे उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ दे दिए। अगर सपोज़ अगर ऑफिस मैनेजमेंट में मुझे ये वाला फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लग रहा था या ये वाला फ़ोटो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा था, ये फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इमेज पर और यहाँ से मैं जस्ट राइट बटन दबा के इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर दूँगा। लेकिन इस केस में आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा, वरना फिर आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पर। तो मैं वही URL वाले सेक्शन में जाऊँगा और वहाँ पर जो पहले वाली इमेज का URL था उसको यहाँ से इसको URL को हटा दूँगा और ये वाला URL उसकी जगह पेस्ट कर दूँगा। और जैसे ही पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए वो इमेज भी यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम लिखा था वहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम थे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और सेव करके इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ देखिए ऑफिस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी आ गया। तीसरा प्रोग्राम हम देना चाह रहे हैं सपोज टू बी डिजिटल मार्केटिंग का, तो यहाँ पर से मैंने फिर उसी कंटेनर को दोबारा से लेना है जो उस रो के सेक्शन में बना हुआ था। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया इस कंटेनर के ऊपर, यहाँ से क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ से क्लिक करके उसी रो के अंदर दोबारा से पेस्ट कर दिया। अब जब पेस्ट कर दिया मैंने इसको तो उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ यहाँ पे मैंने चेंज कर देना है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखने के बाद जैसे हम सेव करेंगे और यहाँ पर आके उस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमने इमेजेस को जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमारे पास आ रहे हैं और जिसमें हमें जो बेहतर लगेगा वो हम यहाँ से ले लेते हैं। सपोज़ टू बी डिजिटल मार्केटिंग के लिए इमेज ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राइट बटन दबा के मैं इसको यहाँ से कॉपी इमेज करता हूँ और जाके अपनी वेबसाइट में उसी URL सेगमेंट के अंदर सिंगल कोर्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल पेस्ट के बजाय कॉपी कर लिया और कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। तो कोर्स ऑफर्ड में आप देख रहे हैं कि ये तीनों कोर्स हमारे इसमें ऑफर्ड इन पे लगा दिए हैं हमने, ठीक है। अब अगर इधर भी पेडिंग की कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसके दरमियान में थोड़ा सा गेप आ जाए तो आप पी सेक्शन के अंदर यहाँ पे पी की क्लास जो आपने यूज़ की है यहाँ पे जाके पेडिंग यूज़ कर लें, P-3 यूज़ कर लेते हैं और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें पेडिंग में फ़र्क तो पड़ा है लेकिन थोड़ा स्पेस आ गया है। तो सेम P3 आपने यूज़ करना है इसमें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा तो आपका इमेज और टेक्स्ट दूसरे वाला ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। तो P-3 की क्लास हमने इसमें यूज़ कर ली एंड रिफ्रेश किया तो तीनों एक साथ आएगा और यहाँ पे अच्छा सा गेप भी आ गया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जहाँ मैंने H3 यूज़ किया वहाँ पर मैं H5 की क्लास को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर भी H5 को यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मॉल नज़र आए, थोड़ा स्मूथ नज़र आए। तो मैं यहाँ H5 की क्लास को यूज़ कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि अब कुछ बेहतर मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है और यकीन करें आप कि ये भी रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आपकी वेबसाइट एक स्मॉल स्क्रीन साइज़ पर पहुँचेगी एक खास एडजस्टमेंट के बाद वो अपने आप को कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देगी और फिर आप इसको जैसे ही स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तो वो आपको दोबारा से बड़ी होकर इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप इसके ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कोड में गड़बड़ी तो नहीं हुई, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मज़ीद 6 कोर्सेज और बताने हैं तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस कंटेनर को जो रो वाला कंटेनर है आपने बनाया है, इस रो कंटेनर में भी आप एक काम करेंगे, इस पर एक MT4 का एक मार्जिन टॉप की आप एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जिससे ये अपना मार्जिन यहाँ से ऊपर लेगा और इसी को यहाँ से लेंगे और कॉपी करेंगे यहाँ तक और वंस अगेन कॉपी करके नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोर्सेज जो आप इसमें लगाना चाह रहे हैं वो इस पर आप इजीली लगा सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर चेंज कर देते हैं
अब हम एक कोर्सेज लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो सेकंड रो का काम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। और यहाँ पे जाके उससे रिलेटेड इमेजेस को सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई इमेज सोफेस्टिकेटेड दे देगा, और उस तरह का इमेज लेके हम इसके ऊपर लगा देंगे। लेट्स सपोज ये वाला इमेज ज़्यादा सूट कर रहा है तो, या ये वाला सूट कर रहा है तो उसको यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, कॉपी इमेज जनरेट करेंगे, और अपने इस वाले सेक्शन के इमेज वाले बैकग्राउंड वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। और अगले वाले पे हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगले वाले पे हमें लिखना है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आके अब हमें यहाँ सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का ऑप्शन ले लिया, यहाँ से क्लिक करके हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ले लेते हैं और इसको क्लिक करके हमने यहाँ से राइट बटन दबा के कॉपी इमेज एड्रेस ले लिया, और यहाँ पर ले जाके इसके इमेज वाले सेक्शन में इसको यहाँ पे जाके जस्ट हमने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। फाइनली तीसरा कोर्स हम कौन सा ऑफर कर रहे हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे और क्लिक करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, लास्ट पर हटा के यहाँ पर हम लिख देते हैं वीडियोग्राफी। तो वीडियोग्राफी का कोर्स हमने यहाँ पर ऑफर कर दिया है, और यहाँ पर जाके हम उसको सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वीडियोग्राफी तो आपको ये नज़र आ जाएगा। वीडियोग्राफी पे क्लिक करके ये डिफरेंट किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इसमें ये वाला इमेज ले लेते हैं क्लिक करके, और यहाँ से राइट बटन दबा के कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम इसको इसके एड्रेस पर सर्च करके पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, और इस तरह हमारी वेबसाइट का एक कम्प्लीट मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और फिर ये हमें ऐसे फिक्स होकर पता चलता है, तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से दिखा रहा होता है। इस पर एक ख्याल कीजिएगा, जो मैंने मिस्टेक की है इस इमेज में और इस इमेज में, ये फ़ोटो वर्टिकल थी और मैं यहाँ पे इसको लैंडस्केप मोड में लगा रहा हूँ, तो जब आप वर्टिकल फ़ोटो को स्क्वायर में या लैंडस्केप में सेट करोगे और बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी को कवर पर रखोगे तो कुछ इस तरह का इशू आएगा। देख रहे हैं वो पिक्चर अपने बॉक्स की हाइट बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि हाइट को हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो वो ऑटो एडजस्ट नहीं हो पा रही, एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो फिर इस तरह का मसला आएगा। इसका भी सलूशन है जो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। अब चलते हैं आगे कि हम फिर कोई ऐसी बात कोई लगाना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमसे अब कोई जैसे कि ये लिखेंगे कि टेस्टिमोनियल्स के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, या अपने नीचे वेबसाइट के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट अस के बारे में बताना चाहेंगे, तो एक इमेज लेते हैं कॉन्टैक्ट अस की। अब इस चीज़ को बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है वर्टिकल वाली फ़ोटोज़ को, तो यहाँ पर जाके हमने कहा कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। कॉन्टैक्ट अस के लिए जो मैं फ़ोटो ले रहा हूँ वो मैं हॉरिजॉन्टल नहीं, मैं वर्टिकल पोर्ट्रेट फ़ोटो लेना चाह रहा हूँ, तो ये वाला भी हॉरिजॉन्टल ही रहा, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला पोर्ट्रेट पे नहीं आ रहा कोई फ़ोटो, कॉन्टैक्ट वाला कोई पोर्ट्रेट में आ जाए। ओके, ये फ़ोटो हमारा है लेकिन इसमें कॉन्टैक्ट का तो कोई साइन ही नहीं आ रहा, ये भी ठीक है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो फिर हम सिर्फ कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। और आगे मैं लिख देता हूँ पोर्ट्रेट, ये फ़ोटो ले लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करके हमने इस फ़ोटो को यहाँ से लिया, कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक किया। अब ऐसे फ़ोटोज़ को एडजस्ट करना ज़रा कंटेनर के अंदर ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फ़ोटोज़ फिर पूरा ही अपना स्पेस कंज्यूम करते हैं, हालांकि वो रिस्पॉन्सिव होते हैं लेकिन अपना एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा कंटेनर बनाते हैं, डिव क्लास के साथ यूज़ करते हैं रो को, तो यहाँ पर हम जाके एक रो की क्लास को यूज़ करते हैं,
और रो के साथ वही तीन चार चीज़ें MT4 को यूज़ कर लेते हैं, पी पैडिंग को यहाँ यूज़ नहीं कर रहे। फिर इसके अंदर एक कंटेनर बना रहे हैं, उसके अंदर हम इसके अंदर सिर्फ इमेज लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कॉल डैश MT-4 कॉलम्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, इस पर पैडिंग को यूज़ कर लेते हैं, P-3 पे कर लेते हैं, 4 ज़्यादा हो जाएगा, और MT4 इसमें यूज़ नहीं कर रहे। इसके साथ स्टाइल की प्रॉपर्टी को लगा के इसमें हमें तस्वीर लगानी है, तो बैकग्राउंड डैश कलर नहीं बल्कि बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करके URL को यूज़ करके इसमें हम उसको उसका जो एड्रेस है वो पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने उसके एड्रेस को पेस्ट किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट किया। फिर इसकी बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे बैकग्राउंड डैश जो साइज़ की प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड डैश साइज़, और यहाँ पे जाके उसको कवर वैल्यू पास कर देते हैं। अब इसमें मैंने हाइट डिफाइन नहीं की है, तो देखिए ये कैसा नज़र आता है। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इस पर ऑटो एडजस्ट हो नहीं पाया। अब इसमें इमेज को रिस्पेंसिव करने की भी क्लासेस हैं जो इमेज को ऑटो रिस्पेंसिव करेगी, मतलब कि इमेज को ऑटो एडजस्ट करेगी। हालांकि मैंने इस पर इसकी हाइट डिफाइन नहीं की, हाइट करूँगा तो ये इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के सोल्यूशन करने के लिए फिर हमें करना पड़ता है कि अब देखते हैं कि इमेज रिस्पॉन्सिव करने की हमारे पास कौन सी क्लास है। तो यहाँ से हम चले गए बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पर हमने किया BS5 की इमेजेस की रिस्पॉन्सिव क्लास को। तो ये हमारे पास राउंडेड कॉर्नर्स, थंबनेल, सर्कल की क्लासेस हैं। तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपको किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव करना है तो आपको किस तरह करना है। क्लास में जाके img-thumbnail लिख देना है, img-circle लिख देना है, या बस इनमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की इसी क्लास को यूज़ करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ले जाके हम इसको कंट्रोल सी करते हैं इस क्लास को, और अपने इसके अंदर जहाँ पे हमने इमेज लगाया है उसमें इसको कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इस क्लास का यूटिलाइजेशन करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। रिफ्रेश करने पे इसने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, इट मींस कि ये इसके ऊपर एडजस्ट नहीं होगी क्लास, और ये जाके हमें फिर इमेज इसके अंदर लगाना पड़ेगा img-src के अंदर, यानी कि इस कंटेनर के अंदर, और फिर इसके अंदर फिर ये जाके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसमें हाइट डाल के इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं, और इसको हम 400 पिक्सल की हाइट दे देते हैं। तो 400 पिक्सल की हाइट जैसे ही देंगे तो ये इमेज इसके अंदर 400 पिक्सल पर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईस्ट वाली साइड के ऊपर हम क्या देना चाह रहे हैं, अभी हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल इस साइड पर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके डिव करेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर क्लास में हम यहाँ पे कितने कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं, कॉल डैश MT-8 कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम P-3 को यूज़ करेंगे, और फिर इसमें बाकी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पर आके हम पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और उसमें लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस लिखा, उसके बाद यहाँ पे भी क्लास को यूज़ कर लेते हैं, H1 की क्लास को यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट डैश को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट को डैश म्यूटेड कर देते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से नज़र आए, और ये देखिए इसके ऊपर किस तरह से नज़र आएगा। यूजली फिर हम इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को बना के रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, तो यूज़र को यहाँ पे वो पूरा मिल जाता है। फिलहाल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। दूसरा इसी कंटेनर में एक पैराग्राफ बना के, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद टाउन टाउन शहजादपुर, और यहाँ पर जाके फिर हम लिख देते हैं शहजादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगर सिंध पाकिस्तान। और इसके बाद हम नीचे आके इसमें सेकंड इसके अंदर पैराग्राफ बना के उसके अंदर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं +92 3448 3439 30। और इस तरह से अगर और भी नंबर्स हैं या ईमेल हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ईमेल कर दें इसके ऊपर, लिख दें इसके ऊपर rashidkhan@gmail.com, और अगर वेबसाइट है तो उसका भी तस्करा यहाँ पे कर दें कि किस तरह से वो दिखाने। आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको उतना ही कर रहे हैं। nahid.edu.pk करके हमने एक वेबसाइट लिख दी, और ये देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह से नज़र आएगा। अब इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कि अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखनी हैं, तो देखें यहाँ पैराग्राफ के साथ जैसे हमने ये क्लासेस को यूज़ किया है, ऐसे उनके साथ भी थोड़ी सी क्लासेस को हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब उसमें हम टेक्स्ट को सेंटर नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही दिखाएंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक को कर लेते हैं, फिर बाकी पे इस पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। डिस्प्ले को यहाँ से हम कर देते हैं 3.5 के ऊपर, और टेक्स्ट को वही म्यूटेड कर देते हैं और लेफ्ट अलाइन रहने देते हैं,
और देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ नज़र आएगा। ओके, डिस्प्ले 5 के बाद हम यहाँ पर आते हैं बाकी, क्योंकि ये एड्रेस थोड़ा इस तरह से शो हो रहा है। बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अगर इतनी बड़ी बड़ी ही शो करना चाह रहे हैं तो सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर क्लास के साथ साथ बूटस्ट्रैप की इन्हीं क्लासेस को इसके साथ इसी तरह से अप्लाई कर दें। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे वो चीज़ें खुद ही इस पैटर्न पर रिवाइज होती जाएंगी और ये इस तरह से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। और अब देखिए कि हमारी वेबसाइट ये कम्प्लीट हो चुकी है। फाइनली इसका फूटर सेक्शन रह गया जिसको आप ईजीली कैसे बना सकते हैं। देखें यहाँ पर आपने एक बनाया था ऊपर चलते हैं कोर्स ऑफर वाला, इसी को ले लें यहाँ से कॉपी कर लें और इसको ले जाके यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ पर फ्रॉम फोटो सेक्शन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वैसे तो ए साइड में भी ये काम हो जाएगा लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हम जैसे जाहिर करते हैं वेबसाइट को तो फूटर को फूटर के साथ जाहिर कर दें और पैडिंग 4 की जगह पे हम इसमें पैडिंग 5 को यूज़ कर लेते हैं, MT4 कर लेते हैं इसको और टेक्स्ट को सेंटर H1 की जगह से ये टेक्स्ट रिपीट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H1 नहीं H5 कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं NEH ऑल राइट्स रिजर्व 2024। ठीक है, और सी बना देते हैं आगे। रिफ़्रेश करके हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखें इस तरह से बन जाएगा। लेकिन इसमें सेंटर की स्पेलिंग नहीं है, BG को डैश प्राइमरी कर देते हैं ताकि ये प्राइमरी सेगमेंट इस पर भी अप्लाई हो जाए। बल्कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है BG डैश डार्क कलर स्कीम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट कलर स्कीम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा वेबसाइट का एक अच्छा सा लेआउट कम्प्लीट हो गया जो कि हमने बैठ के जल्दी से बना लिया। अब आप इसको रिस्पॉन्सिव पे देखेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो हम यहाँ से क्लिक करके इस पर राइट बटन दबाते हैं और इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये स्क्रीन साइज़ आ गया। तो देखिए मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट अपने आप को कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट करेगी। सही, और जैसे जैसे आप बड़ा करेंगे तो टैबलेट पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। ठीक है, और फुल इनलार्ज डिस्प्ले के ऊपर आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से। तो देखें बिल्कुल मिनिमम कोड के साथ, हमने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं किया है, 4-5 कोड को बार बार कॉपी पेस्ट किया है और इस पूरी वेबसाइट को हमने बैठे बैठे आपके सामने बना दिया। ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा था, उसको मुझे 40 मिनट लगे और अगर हम वैसे ही बनाते तो 20 मिनट के अंदर ही पूरी वेबसाइट कोई भी लेवल की आप बना के दे सकते हैं। सिर्फ कंटेंट इमेजेस आपके पास होने चाहिए और उसको आप इजीली इसको बना के बना सकते हैं।